हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्तिस ग्रीन गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से एक और टॉपिक के साथ हम दिवाली के लिए जो हैंगिंग बास्केट्स तैयार करने वाले हैं, उसके लिए फिर से एक नया प्लांट लेकर आपके सामने आई हूँ, जिसका नाम है बेबी सनरोज़। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका बेबी सा सनरोज़ है। इसका नाम एक्चुअली इसलिए बेबी सनरोज़ है क्योंकि ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे से इसके फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही प्यारे, पिंक, वाइट, येलो, ये तीन चार कलर मुझे पता है इसमें आते हैं। मेरे पास ये पिंक कलर का फ्लावर है और ये सन में खिलता है, इसलिए शायद इसे बेबी सनरोज़ कहते हैं। बहुत ही प्यारी सी इसकी लीव्स हैं। ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। फ्रेंड्स, सकुलेंट प्लांट्स उन्हें कहते हैं जिसकी लीव्स जो हैं वो देखिए इस तरीके से मोटी होती हैं। ये देखिए, अगर इसकी किसी लीव्स को मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, ये देखिए, अगर इसकी लीव्स को हम इस तरीके से काटें तो उसके अंदर से ऐसा, ये देखिए, पानी सा, इतना फ्लैशी ये होता है, अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है, उसे कहते हैं सकुलेंट प्लांट। तो इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप में ही पानी स्टोर करता है, तो हमें बहुत ही कम इसका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही हार्डी होता है, तो बहुत ही इजी टू ग्रो भी है। और हमेशा की तरह मैं फिर से कहूँगी कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। कटिंग से भी बहुत आसानी से चल जाता है, इस तरीके से आप कहीं से भी इसकी कटिंग ऊपर, हमेशा बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ की, ये जो ऊपर की टिप्स होती है ना, यहाँ से बस आप ये ले लीजिए और इस तरीके से इतना सा आप काट कर आप इसको बहुत ही लाइट सॉइल, जो मैं आपको बताने वाली हूँ सॉइल मिक्स इसका, उसमें आप लगा दीजिए। बहुत ही आसानी से एक हफ्ते में इसका प्रोपोगेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक प्लांट से हम बहुत सारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करना हम शुरू करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे हम मिट्टी की। तो मिट्टी इसके लिए हमेशा की तरह वेल ड्रेन मिट्टी लेंगे, जिसमें पानी रुके ना और बहुत ही आसानी से हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहे। तो उसमें हम लेंगे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा लेंगे रेत, एक हिस्सा लेंगे कंपोस्ट, और इसमें हम फिर से एक हिस्सा लेंगे कोकोपीट। कोकोपीट इसलिए लेंगे हम क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही, एक तो हैंगिंग बास्केट जब भी बनाना है तो हमारा जो सॉइल मिक्स है वो थोड़ा लाइट भी हो जाए, बास्केट में भी बहुत हैवीपन ना आ जाए, बहुत आसानी से ये अपनी जड़ों को ग्रो करता रहे। इसके बाद बात करेंगे सनलाइट। सनलाइट इसे अच्छी पसंद है, ये दिन भर सन में बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन जब गर्मियों की जो धूप होती है उस टाइम में आप इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए, क्योंकि वो वाली जो धूप होती है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक और बात, अगर आप इसको जैसे अभी भी इस सीज़न में अगर आप इसको रखते हैं शेड में रखते हैं या सेमी शेड में रखते हैं, तो थोड़ी सी इसकी फ्लावरिंग कम होगी या हो सकता है कि फ्लावरिंग हो ही ना, लेकिन इसकी जो ये पत्तियाँ हैं, बहुत ही प्यारी सी लुक है इसकी पत्तियों का खुद का, ये पत्तियाँ इसकी बहुत अच्छे से ग्रो करती रहेंगी। तो अगर आपको इसकी फ्लावरिंग चाहिए तो आपको थोड़ा इसको सन में रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे पानी की। तो पानी का, जैसे मैंने आपको बताया, जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें पानी डालें, पानी ज़्यादा ना हो जाए इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट है, इसकी पत्तियों में खुद में पानी स्टोर रहता है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ये फ्लैशी सी हो जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, एक आध दिन भी अगर मैं भी गलती कर देती हूँ पानी डालने में या मेरी जगह कोई और डालता है, तो ये देखिए पत्तियाँ इस तरीके से एकदम सौगी सी होके ख़राब हो जाएंगी। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद आपको ध्यान देना है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इसमें, जैसे मैं बताती हूँ आपको, सेप्टेम्बर और फेब्रुवरी में बहुत अच्छे से आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। बाकी आपको बीच में जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, महीने में एक बार अपने गमले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, एक मुट्ठी या एक आध चम्मच, जितना आपका पॉट है उसके हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। अगर ना भी डालें तो भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है ये प्लांट, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कटिंग इसकी लगाते जाइए और बहुत सारे गमले तैयार करते जाइए। और पेस्ट अटैक भी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी अभी मुझे दिखा था, ये देखिए, कभी कभी इस तरीके से हो जाता है, तो बस इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए या कोई फंजीसाइड इसमें स्प्रे कर दीजिए, बहुत आसानी से इससे हमको छुटकारा मिल जाता है। तो बहुत ही इजी टू ग्रो है, बहुत ही हार्डी है,
ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और बहुत ही ब्यूटी देता है हमारे गार्डन को। मन खुश हो जाता है इसको देखकर, बहुत ही प्यारी सी इसकी लीव्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको लेकर आइए और इसका इसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने इसकी सारी जानकारी दे दी है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।